हमारा टॉपिक है वो है स्टोरेज डिवाइसेस अब स्टोरेज डिवाइसेस क्या कौन सी डिवाइसेस होती हैं जिनमें आपका जो सारा वर्क होता है वो स्टोर हो स्टोर होता है अब अगर आप कंप्यूटर में जो भी वर्क कर रहे हो जो भी चाहे वो टैक्सबल है या वो टैक्स की फॉर्म में है चाहे वो आपकी पिक्चर्स की या इमेजेस की फॉर्म में है या वो वॉइस ऑडियो वीडियो जिस भी फॉर्म में है वो सब स्टोर करता है आपका स्टोरेज डिवाइस और ये कंप्यूटर में सीपीयू में ही अटैच होता है यहाँ पर बोल रहे हैं वी ऑल नो कंप्यूटर हैव कैपेबिलिटी टू स्टोर योर इंफॉर्मेशन कि आप सब जानते हो कि कंप्यूटर में कैपेबिलिटी होती है कि वो हमारी सारी इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है वैरायटी ऑफ वेज बहुत से तरीक़ों से तो यही कंप्यूटर में चिप्स लगी हुई होती हैं हार्डवेयर के फॉर्म में जिससे हमारे सारी की सारी इंफॉर्मेशन स्टोर होती हैं तो वो स्टोरेज डिवाइस कहलाती हैं ठीक है ताकि हम फ्यूचर यूज़ में हमारे काम आ सके अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास क्लाउड स्टोरेज क्लाउड स्टोरेज क्या है क्लाउड स्टोरेज ये एक इंटरनेट सर्विस डिवाइस है जो कि कंप्यूटर को स्टोरेज प्रोवाइड करता है इंटरनेट के ज़रिए यूज़र को जो यूज़र काम कर रहा है उसको प्रोवाइड करता है इंटरनेट सर्विस जिससे वो अपना काम और अपनी जो सेविंग है स्टोरेज की जो सेविंग है वो आसानी से कर ले अब यहाँ पर ये बता रहे हैं सम यूज़र चूज़ क्लाउड स्टोरेज इंस्टीड ऑफ स्टोरिंग डेटा लोकली लोकल ऑन अ हार्ड डिस्क और अधर मीडिया क्लाउड स्टोरेज इज़ एन इंटरनेट सर्विस दैट प्रोवाइड स्टोरेज अ कंप्यूटर यूज़र यही चीज़ मैंने अभी आपको बताई कि बहुत से यूज़र्स हैं जो कि चूज़ करते हैं स्टोरेज क्लाउड स्टोरेज नॉर्मल लोकल डेटा स्टोरेज के जरिए के बदले हार्ड डिस्क में जो कि होता है हार्ड डिस्क में जो हम स्टोरेज करते हैं वो लोकल स्टोरेज हमारा होता है स्टोरिंग का डिस है उसको छोड़कर ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं क्लाउड स्टोरेज जो कि क्या करता है क्लाउड स्टोरेज जो है वो है एक इंटरनेट सर्विस है जो कि प्रोवाइड करता है यूज़र को और स्टोरेज ठीक है देयर आर मैनी देयर आर मैनी सर्विस प्रोवाइड डेट प्रोवाइड मैनी टाइप्स ऑफ स्टोरेज फॉर फ्री फॉर फ्री और अ फी कि ये जो सर्विस है ये बहुत सारे क्या कहते हैं प्रोवाइड करती है स्टोरेज फॉर फ्री आ, फ्री स्टोरेज के लिए फीस भी देकर सम प्रोवाइड स्टोरेज फॉर स्पेसिफ़िक टाइप ऑफ फ़ाइल कुछ स्टोरेज इसमें ऐसी होती हैं कि जिसमें सिर्फ आप फाइल यूज़ कर फाइल स्टोर कर सकते हो जिसमें बहुत ज़्यादा वर्किंग होता है जो कि बाकी स्टोरेज डिवाइस हैंडल नहीं कर सकते तो आपको और स्टोरेज की ज़रूरत होती है जो कि आप क्लाउड स्टोरेज के ज़रिए ईज़िली उसमें स्टोरिंग कर सकते हो सचेस्ट फोटोज़ ईमेल मैसेज ये सब इंटरनेट सर्विसेज के होते हैं तो ये आप इजीली आपका कहाँ पे स्टोर होता है क्लाउड um, स्टोरेज में ये सब इजीली स्टोर रहता है ये है आपका स्टोरेज चाहे वो फेसबुक गूगल ड्राइव ये सारे आपके इंटरनेट के अमेजोन यूट्यूब विंडो लाइफ स्काई ड्राइव ये सारे आपके ए, इंटरनेट सर्विसेज के ऐप हैं जो कि इसकी सारी इंफॉर्मेशन इजीली क्लाउड स्टोरेज में सेफ़ हो सकती है यहाँ पर आपका फर्स्ट कंप्यूटर पेरीफेरल का टॉपिक क्लोज हुआ और फिर सबसे पहले मैंने हम मैंने आपको बताया था कि पहले हम कंप्यूटर पेरीफेरल की एक्सरसाइज करेंगे तो आपने यहाँ पर मैं आपको एक्सरसाइजेस बताऊँगी तो वो आप लोगों ने करने अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप लोग मुझसे टेक्स्ट के ज़रिए पूछ सकते हैं